द उल फैमिली पर सलमान हुए मेहरबान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। उन दिनों सलमान खान बहुत ही सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि जब से एक्शन से भरपूर रेस का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से हर दर्शक इस फिल्म को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बता दूं कि इस फिल्म के जरिए बॉबी देओल के करियर में 4 चांद लगने वाले है, क्योंकि बॉबी देओल पिछले कई दिन से बॉलीवुड से गुमनाम हो गए थे और उनको कोई फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर से सलमान खान ने अपना गोल्डन हार्ट दिखाया और बॉबी देओल को रेस 3 में लिया। इसके बाद बॉबी देओल को बैक टू बैक 3 फिल्में भी मिल गई है, यानी कि अब बॉबी देओल के करियर में फिर से 4 चांद लग गए हैं। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, जहाँ सलमान खान पूरी देओल फैमिली पर मेहरबान हुए है। बता दूं कि धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल उनके अपकमिंग फिल्म यमला पगला दीवाना 3 को लेकर आ रहे है, और ये फिल्मों में सलमान खान ने एक सॉन्ग में कैमियो किया है, और साथ ही में इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत बड़ी फिल्म के साथ अटैच किया गया है, और वो कोई बल्कि रेस 3 है। यानी कि आप जब रेस 3 को पर्दे पर देखने जाओगे, तब रेस 3 से पहले आपको यमला पगला दीवाना 3 का ट्रेलर देखने को मिलेगा, और ये इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म के साथ यमला पगला दीवाना 3 का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म को जरूर फायदा होने वाला है। यानी कि सलमान खान ना ही सिर्फ बल्कि धर्मेंद्र और सनी देओल की फिल्मों को भी मदद की है। तो फ्रेंड्स, आप किस बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट जरूर करें। ये न्यूज पसंद आए तो लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफएसटार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नेवर मिस द वीडियो।